everybody, in this video, I'll be dealing with Article 23 and Article 24 of our Indian Constitution. Basically, 23 or 24 बात करता है protection against exploitation. इसमें जो Article 23 है, ये क्या cover करता है trafficking in human beings और forced labour के बारे में. क्या cover करता है? Talks about trafficking in human being and forced labour. First, trafficking in human being होता क्या? Trafficking in human being basically होता है selling and purchasing of human being as goods and services. कि आप sell कर रहे हो और purchase कर रहे हो human being को ऐसे कि ये कोई product है या कोई service है या कोई goods है. ठीक है, trafficking in human beings. So और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग forced labour क्या होता है. तो इस चीज को prevent करने के लिए, in order to prevent this, इस particular चीज को trafficking in human being को prevent करने के लिए एक act आया था, immoral trafficking prevention act 1956. इसका एक act आया था, immoral trafficking prevention act, immoral trafficking prevention act, prevention act 1956 का. So अब इस एक्ट में, इस पर्टिकुलर एक्ट में ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग को प्रिवेंट करने की बात की गई. अब बेगर क्या होता है? बेगर में भी इसमें ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन 23 में ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग और बेगर का भी पोर्शन कवर्ड है. बेगर क्या होता है? बेगर बेसिकली क्या होता है कि आप इनवॉलंटरी वर्क करा रहे हो, उसके विल के अगेंस्ट यू आर कंपेलिंग एन इंडिविजुअल टू वर्क एंड यू आर नॉट पेइंग दैट इंडिविजुअल, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर हिज वर्क. लाइक सपोज कि I'm compelling an individual कि मेरा ये काम कर दो, जो बहुत ज़्यादा काम मैं करवा रही हूँ उससे मैं उसे कुछ पेमेंट्स नहीं दे रही. तो दैट इज बेगर. इसमें क्या दो चीज़ कवर्ड है, एक इनवॉलेंट्री वर्क मतलब उसके विल के अगेंस्ट आप काम करा रहे हो एंड नो पेमेंट. इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व है, इनवॉलेंट्री वर्क एंड नो पेमेंट. सो बेसिकली जब आप कंपेल कर रहे हो किसी इंडिविजुअल को काम करने के लिए एंड दैट पर्सन इज नॉट बीइंग पेड, सो इट कम्स अंडर बेगिंग. सो एंगेजिंग समवन एंड नॉट पेइंग एनीथिंग मतलब कंपेल कर रहे हो, मतलब इनवॉलंटरली उससे काम कर रहे हो, यू आर कंपेलिंग दैट इंडिविजुअल कि वो इंसान अपने विल के अगेंस्ट काम कर रहा है. अब इसमें वी हैव सर्टेन केसेस, आर्टिकल 23 में वी हैव सम केसेस. पहला केस जो है चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सरपंच था एक विलेज का, उसने ऑर्डर दिया एक इंसान को, बोला कि एक इंसान को भेजिए विलेज टेंट कंस्ट्रक्ट कराने. उसको बुलाया गया कि विलेज टेंट कंस्ट्रक्ट करो और यहाँ पे ये कहा गया कि आर्टिकल 23 का यहाँ पे वायलेशन है. यहाँ पे किसका वायलेशन है? आर्टिकल 23 का वायलेशन है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पर्टिकुलर ऑर्डर जो सरपंच ने बोला है कि विदाउट उसके विल से, उसके विल के अगेंस्ट आप किससे काम करा रहे हो और यू आर नॉट पेइंग दैट इंडिविजुअल, सो दैट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज हेल्ड इन दिस केस चंद्रा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान. फिर एक केस है दुर्बम गदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में क्या हुआ था कि पेटिशनर जो है, पेटिशनर के पास लाइसेंस था कि वो एक पोर्टर है, पेटिशनर के पास लाइसेंस था कि वो एक पोर्टर है. वो एक एग्रीमेंट में आया था, वो पोर्टर था हावड़ा रेलवे स्टेशन का. एक बार वो एक एग्रीमेंट में आया था कि 2 hours ऑफ एक्स्ट्रा वर्क वो करेगा और उसको एक्स्ट्रा वेजेस भी मिलेगा, बट फिर बाद में उसने करने से मना कर दिया. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है वेदर दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहले केस किया कि इसने एग्रीमेंट को वायलेट किया, तो कैलकटा हाईकोर्ट ने कहा कि वर्क फॉर 2 hours विद एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, दैट पर्सन इज वर्किंग फॉर 2 hours विद एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, तो ये बेगर नहीं है. यहाँ पे ना ही इनवॉलंटरी वर्क है और ना ही नो पेमेंट है. यहाँ पे विल के साथ आपके है और पेमेंट भी इन्वॉल्व है, सो इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, और भी सिमिलर फॉर्म्स क्या होते हैं फोर्स लेबर के, और अदर सिमिलर फॉर्म्स जो होते हैं फोर्स लेबर जो है वो इंक्लूड करता है पर्सन को आप कंपेल कर रहे हो काम
not paying a single penny. और आर्टिकल 23 जो है ये प्रोहिबिट कर रहा है सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर विद और विदाउट पेमेंट को ये प्रोहिबिट कर रहा है. विद पेमेंट क्या हो गया? विद पेमेंट बेसिकली क्या है, लाइक सपोज यू आर पेइंग somebody minimum than the minimum wages, मतलब you are paying somebody lesser than the minimum wages, मतलब minimum wages act में जो wage determined है, जो minimum wages इसको बोला गया, उससे भी कम आप pay कर रहे हो किसी को, तो ये भी जो है, it also comes under category of similar forms of forced labor. Without payment कर रहे हो आप, that is beggar, and with payment कर रहे हो और वो आपके minimum wages से कम है, तो that comes under the category of forced labor. सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर बेसिकली क्या है, विद पेमेंट की भी बात करता है आर्टिकल 23 में. एक केस है पीपल फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. पीपल फॉर डेमोक्रेटिक राइट ये सबसे लीडिंग केस है, इसको एशिया वर्कर केस कहते हैं. पीपल फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, इस केस में इसको एशियाड वर्कर केस कहते हैं, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था एक पर्टिकुलर जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था और वहाँ पे एशियन गेम्स भी कंडक्ट हुआ था. एक एनजीओ था, उसने इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला वहाँ पे लोगों से काम करवाया जा रहा है एंड उन लोगों को मिनिमम वेजेस से भी कम पैसा दिया जा रहा है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कुछ कंटेंशन रहा कि पहला आर्ग्यूमेंट जो रेज हुआ था, कंटेंशन बाद में, पहले आर्ग्यूमेंट जो रेज हुआ था कि वेदर पेमेंट ऑफ लेस वेजेस, वेजेस लेसर देन द मिनिमम वेजेस विल अमाउंट टू फोर्स्ड लेबर. दूसरा कि वेदर इनवॉलंटरी वर्क विद पेमेंट अमाउंट्स टू फोर्स्ड लेबर. अगर कोई इंसान विल नहीं कर रहा है काम करने के लिए और फिर भी आप उसको काम करवा रहे हो और कुछ पेमेंट कर दे रहे हो, तो क्या ये फोर्स लेबर? यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट में ये क्वेश्चन उठा था कि इशू क्या था, पहला कि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो लेसर देन द मिनिमम वेजेस, क्या ये फोर्स्ड लेबर है? क्या आप किसी को इनवॉलंटरी वर्क करवा रहे हो, उसके विल के अगेंस्ट करवा रहे हो और उसको थोड़ा पेमेंट कर दे रहे हो, तो क्या ये फोर्स्ड लेबर है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस लेसर देन द मिनिमम वेजेस, अगर आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो वेज मिनिमम वेजेस से कम, तो उस केस में ये भी फोर्स्ड लेबर होगा, क्योंकि मिनिमम वेजेस जो रिकॉग्नाइज है हर लेबर को एटलीस्ट मिनिमम वेज मिलना चाहिए. और नेक्स्ट में इनवॉलंटरी वर्क, उसके विल के अगेंस्ट यू आर कंपेलिंग दैट इंडिविजुअल काम करने के लिए, सो दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फोर्स लेबर. सो इसमें क्या है कि कंपल्शन, उसको जो ऐसे कंपेल कर रहे हो, फिजिकल कंपल्शन भी हो सकता है, उस पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, बट कंपल्शन जो अराइज होता है इकोनॉमिक कंडीशन से, किसी के इकोनॉमिक कंडीशन का फायदा उठा के, लाइक एशियाड वर्क का केस में क्या था, जो भी कंस्ट्रक्शन में लोग इन्वॉल्व थे वो पुअर थे, उनको आप लेस पे मिनिमम वेजेस से भी कम वेज दे रहे थे, तो यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो दे वर्क. फिर यहाँ पे दो काइंड ऑफ एक्सेप्शन है फोर्स लेबर या कंपेल्ड वर्क का, यहाँ पे दो एक्सेप्शन है. पहला एक्सेप्शन जो है, अगर किसी लोग को आप एंगेज कर रहे हो पब्लिक पर्पज के लिए, लाइक सपोज यू आर एंगेजिंग समबडी फॉर पब्लिक पर्पज, लाइक वोटिंग के लिए होता है, जो आपका इलेक्शन ड्यूटी पे किसी को भेजते हैं, एक्सेप्शंस में क्या हो गया, पहला पब्लिक पर्पज के लिए काम करना, फर्स्ट इज पब्लिक पर्पज, इसमें है पब्लिक पर्पज कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है, आर्टिकल 23 के 3 में एक्सेप्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कंपेल कर सकता है प्राइवेट पर्सन को पब्लिक पर्पज के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड. इसमें केस है देवेंद्रनाथ गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, टीचर्स जो टीच कर रहे थे जूनियर क्लासेस में, वो पार्टिसिपेट करा उन्होंने इलेक्शन और सेंसस के ड्यूटी में, बट उनको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता था उसके लिए. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्या ये पब्लिक पर्पस की कैटेगरी में आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब वो जो टीचर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, इलेक्शन ड्यूटीज के और सेंसस के काम में, ये पब्लिक फंक्शन है तो उसका पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, ये एक्सेप्शंस में आएगा. फिर एक केस है संजीव रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. द अदर केस इज संजीव रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. संजीव रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान,
इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, इन दिस केस यहाँ पे हुआ था कि पेमेंट ऑफ वेजेस लेस देन द मिनिमम वेजेस बाय गवर्नमेंट, जैसे कि कोई नेचुरल कैलमिटी आ गई, वहाँ पे रिलीफ के लिए कोई काम करने गए, अगर वहाँ पे कोई जा रहा है, इस यहाँ पे कंटेंशन हुआ कि गवर्नमेंट जो है एडवांटेज नहीं ले सकती है हेल्पलेसनेस का, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हेल्पलेसनेस। पर्पस है गवर्नमेंट का कि वो पे करे, अगर कोई नेचुरल कैलमिटी के टाइम भी उसमें गवर्नमेंट जो है एडवांटेज नहीं उठा सकती है हेल्पलेसनेस का, गवर्नमेंट का ये फंक्शन है कि गवर्नमेंट सबको पे करे और पेमेंट जो है वो लेस देन द मिनिमम वेजेस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी वर्कर्स जो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं नेचुरल कैलमिटीज में इस पर्टिकुलर चीज़ के रिलीफ के लिए। और नेक्स्ट जो है कि प्रिजनर या एक्यूज पर्सन को इज कंपेल्ड टू गिव सर्विसेज। अगर मान लो कोई रिग्रेस पनिशमेंट में, कोई रिग्रेस पनिशमेंट उसको मिला जा रहा है कोई एक्यूज्ड इंसान, और उसको अगर आप कंपेल कर रहे हो तो वो भी एक्सेप्शन आएगा। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, प्रिजनर्स के लिए, अगर किसी को रिग्रेस पनिशमेंट में है और इफ यू आर कंपेलिंग दैट पर्सन वर्क करने के लिए, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर एक्सेप्शन। इसमें केस है दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि प्रिजनर को आप कंपेल कर सकते हो सर्विसेज देने के लिए, बट प्रॉपर रेम्यूनरेशन शैल बी गिवन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, विल बी डीलिंग विद आर्टिकल 24 इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।